एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना है जो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। लोकतांत्रिक समाजों में सामाजिक नियंत्रण की क्रियाविधि क्या है? यह एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है और कहा जाता है कि लोकतांत्रिक समाजों में सामाजिक नियंत्रण में किसी विशेष व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है। इसमें समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन किया जाता है और सामूहिक व्यक्तियों के द्वारा निर्णय किया जाता है, लेकिन सत्ताधारी समाजों में सामाजिक नियंत्रण की इस तरह की बातें नहीं होती है। इसमें व्यक्तियों को मानसिक उत्पीड़न दिया जाता है, जिसके कारण मनुष्य को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुरस्कार के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर सामाजिक नियंत्रण में किसी प्रकार की बातें हो तो वार्तालाप करने के पश्चात सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा सामाजिक नियंत्रण में किसी प्रकार की कठिनाई होती है, व्यक्ति अगर समाज का उल्लंघन करता है तो उसे दंड दिया जाता है, आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि सामाजिक नियंत्रण में लोकतांत्रिक व्यवस्था की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अतः अंत में मैं कहना चाहूँगा कि सामाजिक नियंत्रण एक ऐसा नियंत्रण माना जाता है जिससे व्यक्तियों पर एक प्रकार का लगाम लगाया जाता है, जिससे व्यक्ति उस तरह की कार्य न करे जिससे समाज में समस्या उत्पन्न हो जाए। इसलिए कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक नियंत्रण की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। धन्यवाद। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, करण का दुनिया और इस महत्वपूर्ण व्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट अवश्य करें जिससे पता चले कि यह व्यूज़ समाज के लिए किस प्रकार से मदद करता है। धन्यवाद।